वेलकम बैक टू माई चैनल. आज मैं जो टॉपिक कवर करने वाली हूँ अपने इस वीडियो में वो है कि हम अपने डार्क सर्कल्स को कैसे कंसील कर सकते हैं, कैसे हाइड कर सकते हैं. आप देख सकते हैं मेरे डार्क सर्कल्स काफ़ी ज़्यादा हैं. और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो मैं एक काम करने वाली हूँ, आज मैं अपनी लेफ्ट आई को बाद में करूँगी, ऑफ कैमरा करूँगी, और राइट आई को मैं आपके सामने करूँगी, सो दैट आप डिफरेंस स्पॉट कर सकें बिफोर कंसीलिंग एंड आफ्टर कंसीलिंग. और चलिए स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले मैं लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर ले रही हूँ, और मैं थोड़ा सा ही लूँगी ये अपने रिंग फिंगर पर. इससे मेरी अंडर आई स्किन इवन हो जाएगी. और कंसीलर की एप्लीकेशन के लिए मुझे एक स्मूथ इवन टोन स्किन मिल जाएगी. एंड प्राइमर हमें वैसे भी लगाना चाहिए बिकॉज फर्दर जब हम कंसीलर एंड सेटिंग पाउडर या प्रेस पाउडर से अपने आईलिड्स को सेट कर लेते हैं तो उसके बाद वो एक परफेक्ट बेस बन जाता है हमारे आई शैडो के एप्लीकेशन के लिए, जिससे हमारी आई शैडो का एप्लीकेशन काफ़ी बेटर हो जाता है. सो मैंने ये आई को प्राइम कर लिया है और ये थोड़ा सा वाइटनिंग इफेक्ट देता है. सो एज यू कैन सी कि ये आई जो है आप फ़र्क देख सकते हैं, प्राइमर के बाद ही थोड़ा सा वाइटनिंग इफेक्ट, थोड़े से मेरे डार्क सर्कल्स कैंसिल आउट हो चुके हैं, जबकि मेरी ये आई टू डार्क. आप देख सकते हैं मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा विजिबल हैं एंड बहुत ज़्यादा है. सो लेट्स मूव ऑन टू द कंसीलर. सो जो मैं पहला कंसीलर आज यूज़ कर रही हूँ ये है मेबेलिन फिट मी का कंसीलर इन द शेड मीडियम. और मैं सबसे पहले इसे अपने अंडर आई में लगाऊंगी. जिन लोगों के डार्क सर्कल्स कम हैं वो अपने फाउंडेशन से मैच करता हुआ कंसीलर लगा सकते हैं, बट जिन लोगों के डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें कंसीलर 2-3 शेड लाइटर लेना चाहिए अपने फाउंडेशन से वो ब्राइटनेस क्रिएट करने के लिए. और मैं ये कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए जो ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ वो ये है, और मैं इसको पैटिंग मोशन में ब्लेंड करूँगी अपने अंडर आई में और इनर कॉर्नर्स पे भी लेके जाऊंगी. बिकॉज आप देख सकते हैं डार्क सर्कल्स जब होते हैं तो आपकी ये इनर कॉर्नर वाली स्किन भी उतनी ही डार्क होती है जितना आपका आईलेट डार्क है. सो ये वाला एरिया भी हम कवर करेंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे. और ब्लेंड करते हुए हम लोग यहाँ कॉर्नर्स तक लेके जाएंगे जस्ट टू क्रिएट वो पूरा ब्राइटनेस क्रिएट करने के लिए. और जो भी लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है उसे मैं अपने आईलिड्स पे ले जा रही हूँ. आईलिड्स पे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं चाहिए होता है बिकॉज हम आफ्टर ऑल आई शेडो सप्लाई करेंगे तो ये एरिया वैसे भी हाइड हो जाएगा. लेकिन हम लोगों को क्योंकि जैसे हम अपना फेस का बेस करते हैं फाउंडेशन के साथ, वैसे ही हम कंसीलर और प्राइमर की हेल्प से अपने आई शेडो के लिए एक बेस तैयार करते हैं. जो भी लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है मैं उसको पैट कर रही हूँ अपने आईलिड्स पे और आप देख सकते हैं. सो फर्स्ट लेयर ऑफ कंसीलर से ही आप देख सकते हैं जो फ़र्क है मेरे लेफ्ट आई में और मेरे राइट आई में. नाउ चलिए मूव करते हैं सेकंड कंसीलर पे, विच इज़ द बेस्ट कंसीलर इन ड्रग स्टोर. आई एम श्योर आप लोगों ने ये कंसीलर के बारे में सुना होगा और यूज़ भी किया होगा. दिस इज़ मेबेलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर. सो इससे आपकी अंडर आई को इंस्टेंट ब्राइटनेस मिलती है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिन लोगों के काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं. सो मैं ये कंसीलर हाईली रिकमेंड करूँगी आप लोगों को. अगर आप लोग का डार्क सर्कल का इश्यू है काफ़ी तो प्लीज़ ये कंसीलर को बाय करें और यूज़ करें और शेयर करें मेरे साथ आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा इस कंसीलर के साथ. तो एकदम पैटिंग मोशंस में लाइटली वेरी जेंटली मैं अपने कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ अंडर आई में. एंड अगेन मैं जो भी लेफ्ट ओवर इस ब्यूटी ब्लेंडर में प्रोडक्ट है उसको मैं अपने आईलिड्स तक लेके
जा रही हूँ और आप देख सकते हैं विथ सेकेंड लेयर ऑफ कंसीलर कितना ज़्यादा डिफरेंस है जो आप स्पॉट कर सकते हैं फ्रॉम दिस आई टू माई दिस आई. आई मीन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, डिफरेंस ईजिली आप स्पॉट कर सकते हैं और देख सकते हैं. अफकोर्स मेरा चेहरा भी वियर्ड लग रहा है बट मैंने ये इसीलिए किया कि आप देख लें कि आप कंसील से पहले आपके डार्क सर्कल्स कैसे लगने वाले हैं. अगर आपके बहुत सारे डार्क सर्कल्स हैं मेरा और कंसील के बाद कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता कि आप कितने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं. सो जस्ट दीज टू कंसीलर्स गाइज, ये ड्रग स्टोर के बेस्ट कंसीलर हैं. सो आपको और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बाय ये दो कंसीलर्स और आपको आपके डार्क सर्कल्स अच्छे से हाइड हो जाएंगे. सो मैं जो फाइनल स्टेप करूँगी इस आई में वो है कि अपने कंसीलर को सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो मैं मेबलिन का फिट मी लूज पाउडर ले रही हूँ इन द शेड मीडियम और एक टेपर्ड फ्लैट ब्रश में आप देख सकते हैं मैंने प्रोडक्ट लिया और मैं जेंटली इस पाउडर को अपने अंडर आई में प्रेस कर रही हूँ और अपने आईलिड्स पे भी लगा रही हूँ. अदरवाइज क्रीसिंग होगी सो वी डोंट वांट कि हमारे कंसीलर क्रीज आउट करे और क्रीसिंग दिखने लगे. और अगर जैसे मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती, बहुत ज़्यादा लूज पाउडर या और कोई पाउडर प्रेस पाउडर यूज़ नहीं करती बिकॉज वो मेरे फाइन लाइन्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है. सो आप अपने यू नो स्किन के अकॉर्डिंग पाउडर का एप्लीकेशन पाउडर का क्वांटिटी यूज़ करें और इसको थोड़ी देर के लिए स्टे करने दें सो दैट वो स्टे करेगा तो अच्छे से आपका कंसीलर जो है वो सेट हो जाएगा. और मैं अपनी लेफ्ट आई को ऑफ कैमरा करके आपके सामने आती हूँ. सो आप देख सकते हैं मैंने अपना लेफ्ट आई को भी कंसील कर लिया है और सेटिंग पाउडर से सेट कर लिया था तो थोड़ी देर के लिए मैंने उसको अपने अंडर आई पर छोड़ दिया था ताकि मेरे कंसीलर अच्छे से सेट हो जाए. और अब मैं उसी ब्रश से अपना लूज पाउडर वाइप ऑफ कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि अब मेरे डार्क सर्कल्स अच्छे से हाइड हो चुके हैं. और सो यही मैं अपने डेली रूटीन में करती हूँ अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड ये भी बताइएगा कि आप अपने कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए. सो प्लीज़ शेयर कीजिएगा मेरे साथ वो कमेंट सेक्शन में. मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.